हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ चिल्ला। और उसके लिए मैंने लिया है ओट्स का ये आटा, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चावल का आटा, और थोड़ा सा मैंने लिया है दाल का आटा, और थोड़ी सी मैंने लिया है सूजी। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ कैप्सिकम, और ये मैं डालूँ टमाटर, और ये मैंने लिए थोड़े से इसके अंदर प्याज, और हम ऐड कर लेते हैं अपने मस्त। मैंने नमक डाला है, काली मिर्च, और ये सीजनिंग लिया है, और इसमें थोड़े से ऐड करेंगे हम कड़ी पत्ते, और इसमें अब मैं ऐड करूँगी थोड़ा पानी। अब हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करके हमें इसे 10-15 मिनट के लिए रख देना है, फिर मैं बनाऊंगी चिल्ला, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसा बनता है। ये बहुत ही हेल्दी होता है, आप ज़रूर ट्राई करना ब्रेकफास्ट पे, या आपको कभी भूख लगती है तो आप शाम को भी इसे ट्राई कर सकते हैं। अब मैं इसे रख देती हूँ 10-15 मिनट के लिए। मेरा बैटर को हो गया 10-15 मिनट, ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अगर ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए आप इसमें पानी ऐड कर सकते हो। मैंने तवा रख दिया गर्म करने के लिए। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी, हम इसे इतना बैटर डालेंगे। उसी में अच्छे से पकने देना है। लास्ट टाइम क्या हुआ, मैं इसे जल्दी से पलट दिया और बीच में से बिल्कुल ही टूट गया था। थोड़ा सा अच्छे से पकाएंगे, हम इस तरह भी घी लगा लेंगे। अब मैं इसे धीरे धीरे पलट देती हूँ। ये देखिए हमारा कितने अच्छे से सिक गया है। इस तरह भी हम घी लगाएंगे, सही से भी इसे घी लगा लेंगे। देखिए कितने अच्छे से सिक गया हमारा। ये बहुत ही कुरकुरा कुरकुरा टेस्टी सा बनता है, आप ज़रूर ट्राई करना। और ये मेरा बन के बिल्कुल तैयार हो गया। मैं इसको दोनों तरफ से अच्छे से देख लिया, मैं इसे निकाल लेती हूँ। और इसके साथ लिया मैंने बूंदी का रायता, आप चटनी के साथ भी खा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।